और इसी बीच सीधे लिए चलते हैं आपको दिल्ली, जहां पर अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दो दिन के सम्मेलन में है, इसमें यूएपीए के मामले में किस प्रकार से जांच हो और किस प्रकार से प्रोसिक्यूशन की कार्यवाही हो। मैं इसलिए उदाहरण देना चाहता हूं कि एनआईए भी यूएपीए का ही उपयोग करता है। एनआईए ने 632 मामले दर्ज किए और इसमें से 498 में लगभग 500 में आरोप पत्र दायर कर चुके हैं और 95% से ज्यादा दोष सिद्धि का दर है। अगर ये एनआईए कर सकता है तो स्टेट पुलिस क्यों नहीं कर सकती? जहां पर भी यूएपीए लगाने की जरूरत है वहां निसंकोच लगाना चाहिए, और जहां यूएपीए लगाए वहां आपकी सुपरवाइजरी ऑथोरिटी की जिम्मेदारी है कि इसकी जांच एनआईए के तर्ज पर ही हो। इसलिए मेरा आग्रह था और अभी अभी एक एसओपी इसकी पूरी एक बहुत अच्छा बुकलेट मैंने डिटेल में देखा भी है, सदानंद जी मुझे 20-25 दिन पहले देकर गए थे, एक बहुत अच्छी एसओपी की बुकलेट यहां से जारी की है। तो मैं मानता हूं कि इसका उपयोग करना हर राज्य पुलिस ने अपनी कार्य संस्कृति में डालना चाहिए। मित्रों, टेक्निक का उपयोग जब तक हम हमारी पूरी फोर्स को तकनीक के उपयोग से ट्रेन नहीं करेंगे, इसके खिलाफ हम नहीं लड़ सकते। अब आतंकवाद का सामना जो हमें करना है वो समझ कर चलिए, वो सीमाहीन और अदृश्य तरीके से आतंकवादी हमले और उनका षड्यंत्र हमारे खिलाफ खड़ा है। अगर इसका हमें सटीक सामना करना है तो उच्चतम टेक्नोलॉजी से हमारे युवा अफसरों को लैस करना पड़ेगा, उनकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, और उसको भी हमने आने वाले दिनों में ट्रेनिंग का एक अहम हिस्सा बनाना है। कई सारे राज्यों ने बनाया है मगर जिस स्तर की ट्रेनिंग चाहिए उस स्तर की ट्रेनिंग नहीं है। कम से कम डीवाईएसपी को तो 100% तकनीक से लैस कर ही फोर्स के अंदर इंक्लूड करना चाहिए। और मैं सभी राज्यों को ये कहना भी चाहता हूं, अगर आप इसमें मदद की जरूरत है तो हैदराबाद की एकेडमी भी आपको मदद कर सकती है। टेररिज्म, टेररिस्ट और टेररिज्म के इकोसिस्टम के लड़ने के लिए गृह मंत्रालय ने जो प्रोएक्टिव अप्रोच बनाया है उसमें हम एक अगला कदम लेकर आ रहे हैं। कुछ ही महीनों में नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी लेकर हम आएंगे, जिसमें आप सब